गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है क्योंकि मुझे, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे कुछ। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं अगला वीडियो आप ही पर बनाऊंगा आपके टॉपिक पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ एनी इमेज, मतलब बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मेरे सामने एक इमेज देख सकते हैं, ये एक लड़के की इमेज है, इसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़ोटोशॉप में आपको ये ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, फ़ोटोशॉप पे है। तो आप सबसे पहले आपको इस लड़के को सेलेक्ट करना होगा पेन टूल से। तो सबसे पहले पी दबाकर पेन टूल सेलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन टूल है, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डॉट डॉट प्रेस करके लड़के का पूरा बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए। आप जितना आपका मेन कैरेक्टर है, पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेने के बाद पर लेफ़्ट क्लिक करिए, मेक सेलेक्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपका पूरा कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया। तो अब इस पर आपको दो तरीके हैं, आप चाहे तो इस कैरेक्टर को उठा के अपने बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं, या फिर इसके बैकग्राउंड को हटाकर यहाँ दूसरा बैकग्राउंड उठाकर ला सकते हैं। तो मैं अभी आपको दोनों तरीके बताने जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पर यहाँ पर जाना होगा, यहाँ लेयर पैनल के नीचे, और ये देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना होगा ऐड लेयर मास्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका सारा बैकग्राउंड हट गया है। तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर लेयर पे ये जो बॉक्स बना है पिक्चर का, के बाद आपका ये हट गया है। तो अब अपने बैकग्राउंड को मूव टूल की मदद से ले आइए और फिट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म टूल, पूरा आपने फिट कर लीजिए इमेज पर। ये बैकग्राउंड को जच नहीं रहा है, तो इसके लिए हम पीछे एक ब्लर इफेक्ट डालेंगे। तो आपको जाना फिल्टर्स, ब्लर, फील्ड ब्लर। आप फील्ड ब्लर को चाहे जितना कर सकते हैं, जैसे इतना, ये तो एकदम लो पे है, इतना इतना। तो मैं अभी आप इसको इतना ही रहने देता हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। इससे यहाँ नीचे से हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से ये अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्रॉप टूल की मदद से सी दबाइए, क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा और ज़रा सा क्रॉप कर लीजिए। तो आपने जैसा कि देखा, ये इमेज की बैकग्राउंड इतनी ईजली से चेंज हो गई। ये फर्स्ट मेथड मैंने बताया लेयर मास्क दबा के। अब दूसरा मेथड, तो अगला मेथड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है। तो अब हम इसे इस टूल की मदद से क्विक सिलेक्शन टूल डब्लू प्लस प्रेस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेन टूल आपका पहले सेलेक्ट होगा, आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके बाद मेक सिलेक्शन आपको दबाना था जैसा पिछला बार में किया था, और वापस क्विक सिलेक्शन टूल पे आ जाइए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करिए, रिफाइन एज। उसके बाद आपको, आप यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हैं, मैं जैसा कि आप इसका एज पे देख सकते हैं, इसे ये ऐसा कुछ है, आप इसे स्मूथ एक्स्ट्रा करेंगे तो ये स्मूथ दिखेगा आपको। यहाँ पे आप सारा इफेक्ट कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप इसे लेयर मास्क में करेंगे तो जैसा पिछले मेथड था वैसा ही हो जाएगा। न्यू लेयर में कर देंगे तो ये आपका नया होगा। तो इस पर क्लिक करिए, न्यू लेयर और ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पुराना लेयर था न्यू, और ये न्यू लेयर है। तो न्यू लेयर को वी दबाकर मूव टूल की मदद से सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप इसे ट्रांसफॉर्म कर लें
थोड़ा जूम आउट करके ट्रांसफॉर्म कर लें। उसके बाद एडजस्ट कर दें जैसा आप चाहते हैं। और फिर बैकग्राउंड में फील्ड ब्लर अप्लाई कर लें। ये बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, शार्प शार्प है, इसलिए मैं इस पर फील्ड ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मेथड में थोड़ी इमेज की क्वालिटी घट गई है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा लेयर मास्क पे आप क्लिक करके वही मेथड यूज़ करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।